वो लगाम है सर, बात करनी है दिखा दे। आप लोगों से बात ही करनी है मेरे को, एक मिनट। आप, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पेपर ऊपर आपने बना रखे हैं, पेपर ऊपर बनाए हैं घोड़े के? रजिस्ट्री होती है इसकी, कितना लोड लेना है, कितना लेना है, वो सारा पेपर लिखा हुआ रहता है। वो पेपर है आपके पास? मुझे ये बताओ आप कहाँ रहते हो, रहते कहाँ हो? कहाँ? 17 नंबर। कहाँ पर? कहाँ है? मंगलपुरा। अच्छा, आप लोग के पास पेपर नहीं है इसके? पेपर होते हैं, खाली कागज होते हैं इसके पास। हाँ, क्योंकि किसी ने आवाज नहीं उठाई ना बाबा, इसीलिए जरूरत नहीं पड़ी है। आप आगे के लिए ध्यान रखिएगा। पानी वानी देते हो, खाना वाना देते हो ना अच्छे से? चना देते हैं सर, घी भी मिलाते हैं इनको देसी। ये देखिए कट्टे भी ये रखे हैं, दाने ढूंढे के सब ये सब खिलाते हैं, राशन लेकर आते हैं इनके लिए। हम घी भी पिलाते हैं, चने भी खिलाते हैं इनको देसी। अच्छा, गुड़ भी देते हैं, जाड़ों में गुड़ देते हैं इनको। जाड़ों में गुड़ खिलाते हैं सर इनको। कांटा नहीं है वो, ठीक है, वो देखना था। कांटा कभी तो नहीं डालते ना इसमें? पूछो तो मुंह फट जाता अंकल। हाँ, मत डालना, फट जाएगी। झटके मारते हैं ज्यादा, आराम से चलाते हैं। ठीक है, आप कभी भी इस पे ज्यादा भार मत देना। कभी कहने का मतलब है, जैसे एकदम लद के ले जाते हैं ना, वैसा कभी मत करना। बच्चे की तरह पालते हैं, 5 साल से पालते हैं बच्ची अपने घर की। सब लगा हुआ कमरे में, कोई दूसरे जानवर को भी देखते ना, मारते हैं उसको भी मारने लगते हैं। बहुत सही बात, वो भैया की कितनी सही बात बोल रहे हो। चोट भी नहीं होगी कहीं से पुरुष तब नहीं होगी। ठीक है भैया, ठीक है, आप ठीक है, ओके भैया, ओके जी। देखिए, जो वीडियो मैंने डाली, वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो देखने के बाद आपकी सोच क्या कहती है उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहूँगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेकर क्या है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से लेकर अभी तक जितना भी हमें पढ़ाया लिखाया गया, जो भी किताब में हमें पढ़ाया गया, जो भी किताबों में था, उन सब में इसकी कमी थी। जितना भी हमें तजुर्बा बचपन से लेकर अभी तक मिला है, उन सब में इसकी कमी थी। इसी की वजह से हमारे जानवर सफ़र करते हैं, इसी की वजह से हमारे जानवरों को परेशानी होती है, हमारी वजह से। हमें कभी साफ शब्दों में नहीं पढ़ाया गया कैसा बर्ताव करना चाहिए जानवरों के साथ, चाहे वो आपके इर्द गिर्द के जानवर हो, चाहे कोई भी जानवर हो। देखिए, उस घोड़े वाले को मैंने रुकवाया, उसको कहा हमने कि उसका उसकी जो लगाम है उसको निकाले और हमें दिखाए कि वो कांटों वाली लगाम है या बिना कांटों वाली लगाम है। वो थी बिना कांटों वाली लगाम। अब इससे एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो कांटों वाली लगाम होती है वो बैन है, वो नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। तो आप अगर किसी को भी देखें कि कांटों वाली जो लगाम होती है वो कोई लगा के घोड़े को चला रहा है, अगर आप वैसा देखते हैं तो आप उसको वहीं पर रुकवा सकते हैं। आप उसे ये कह सकते हैं कि ये कानूनन जुर्म है, उसको वहीं पर वो निकाल दे। कांटों वाला हो चाहे बिना कांटों वाला हो, लगाम लगाम ही होता है। अगर वो हमारे मुँह में या आपके मुँह में लगा दी जाए और उसे खींचा जाए लगाम के तौर पर, तो कैसा लगेगा आपको? लेकिन वो घोड़ा हमें नहीं बता सकता, क्योंकि हम उसे समझ नहीं सकते। ये नहीं कि वो बेजुबान है, इसलिए क्योंकि हम समझ नहीं सकते उन्हें, तो इसीलिए हम उनका यूज़ करते हैं। आप चाहे घोड़ा पालें, कुत्ता पालें, चाहे कुछ भी पालें, अगर आप स्टेटस सिंबल के लिए जानवर पालते हैं, आप कहते हैं कि आप उनका केयर करते हैं, उनको दोस्त की तरह, उनको एक फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, फैमिली मेंबर को कभी भी किसी बंधनों में नहीं बांधा जाता है। फैमिली मेंबर्स को कभी भी स्टेटस सिंबल के तौर पर नहीं लिया जाता है। दोस्त जो होते हैं उनको कभी स्टेटस सिंबल के तौर पर नहीं लिया जाता है। ये चीज़ को समझिए और जितना हो सके, जहाँ हो सके, कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ें रुकें। तो ये करना शुरू कीजिए, जो जानवरों पे अत्याचार होता है वो कम हो और उनको एक अच्छी ज़िंदगी मिले, उनको भी हक है एक अच्छी ज़िंदगी जीने का। इसी के साथ अपना वीडियो मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ। टिल देन, यू आर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, पीस।